सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माई चैनल। पिछली क्लास में हमने एच लुकअप भी जान लिया कि क्या होता है, ठीक है, और सम जो है हमने सबसे पहली फॉर्मूला क्लास में जाना था, पर आज हम जानेंगे कि सम इफ क्या होता है और दोनों में फ़र्क क्या होता है, लोग अक्सर नहीं समझ पाते। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि सम इफ़ क्या होता है, ठीक है। सम तो मैंने बताया था सबसे पहले ही फॉर्मूला क्लास में, जिसमें कि आपने देखा कि सम तो मतलब जैसे सिंपली हमें कोई चीज़ सम करना है टोटल में, तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करते हैं सम का फॉर्मूला, ठीक है। पर आज हम जानेंगे कि सम इफ़ क्या होता है और क्या यूज़ होता है उसका, ठीक है। तो सम इफ़ के लिए मैंने ये टेबल बनाया हुआ है अलग से, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट में मैंने मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मतलब देखेंगे आप सारे ही प्रोडक्ट्स को मैंने रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्यों रिपीट किया है ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सम इफ़ जो होता है, सम इफ़ एक कंडीशन के रूप में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। कंडीशन कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए बुक्स है, ठीक है, तो बुक्स है, ठीक है। एक आप ऊपर देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा है बुक्स, ठीक है। फिर आप नीचे आएंगे तो फिर देखेंगे आप 106 के सामने बुक्स लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे देखेंगे एक बार और बुक्स है 110 पे, A110 पे, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि जो आपने पूरी लिस्ट बनाई है, ठीक है, उसमें से आपसे कहा गया कि टोटल नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब आपके मान लीजिए सर ने, बॉस ने, जहाँ भी आप काम करते हो, ठीक है। तो अगर उन्होंने कह दिया कि मुझे केवल जितने प्रोडक्ट्स हैं उनमें से केवल मुझे बुक्स का टोटल जानना है, ठीक है, तो अब आप फंस जाओगे क्योंकि भाई आपको तो सम करना आता है, ठीक है। तो आप तो टोटल करना निकाल सकते हो, पर अगर आपसे कह दिया गया कि केवल प्रोडक्ट में पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का निकाल के बताओ कि टोटल प्राइस कितना आ रहा है, और ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, वही प्रोडक्ट कई बार ट्रांजेक्शन्स हुए हैं तो कई जगह है, जैसे मैंने लिखा हुआ है 3 जगह एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो अब इन तीनों का आपको टोटल बताना है, ठीक है, और आपको बिना मतलब ये किए कि आप ढूंढ के फिर उसको अलग लिखे फिर टोटल करें सब में, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको कम समय में केवल सम इफ़ के जरिए आप इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि सम इफ़ का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम, कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप टैब पे क्लिक करेंगे सबसे पहले तो फार्मूलाज टैब पे आएंगे, ठीक है। फिर आप नीचे जाएंगे तो मैथ एंड ट्रिगर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें आप नीचे जाएंगे क्योंकि भाई सम इफ़ एक मैथ का फार्मूला है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे सम इफ़, इस पर आप टैप करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या मांग रहा है, रेंज, ठीक है। रेंज कहने का मतलब रेंज में आपको ये जो पूरा टेबल मैंने बनाया हुआ है इसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले रेंज पर हम क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे टेबल को, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हमने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर क्या पूछा है दूसरी चीज़ सम इफ में, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया उसे हम कहते हैं जहाँ पे मैं वैल्यू टाइप करूँगा और यहाँ पे मतलब मुझे दिखता जाएगा टोटल, ठीक है। तो मान लीजिए हम A114 को ले लेते हैं, सॉरी मैंने गलती से उसी में कर दिया, हाँ ठीक है। रेंज पहले हम रेंज फिर से ले लेते हैं, पहले हम पूरा इसको टेबल को ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्राइटेरिया अब हम लेंगे, क्राइटेरिया जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि उस जगह को हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम चाहते हैं कि टाइप करें हम प्रोडक्ट का नाम और वैल्यूज़ और मतलब उनके टोटल्स हमें यहाँ दिखते जाए सम इफ वाला, जहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं जिस रो में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 114 में, मान लीजिए हम 114 को ले लेते हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया एज अ क्राइटेरिया, ठीक है। फिर उसके सम रेंज है, तो सम रेंज में याद रखिएगा कि सम रेंज में हम केवल वही पोर्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें चाहिए कि इसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोटल है। तो हमें क्या चाहिए, प्राइस का टोटल निकालना है, ठीक है। तो हम केवल प्राइस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, प्राइस वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से सिंपली हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या दिखा रहा है, 0, और हमने सेलेक्ट क्या किया, क्राइटेरिया A114। तो हम यहाँ पे आके बस टाइप करेंगे जो भी प्रोडक्ट का हमें टोटल जानना है, मतलब जितनी भी जगह वो लिखा हुआ है प्रोडक्ट उस सारे का टोटल एक बार में। तो जैसे देखिए मैं यहाँ अगर बुक्स लिखता हूँ, ठीक है, बुक्स लिख के मैंने ओके किया, तो देखिए यहाँ आ गए ना 32,734। तो आप ऊपर देख सकते हैं एक बुक्स है जिसका है टोटल 9,234, दूसरा जो बुक्स लिखा है उसका टोटल है आपका 1500, तीसरा जो बुक है बुक्स उसका टोटल है 22,000। तो जब आप इन तीनों का सम करेंगे ना अलग से भी, तो आप चेक कर सकते हो अलग से भी करके, अगर आपको मतलब कंफर्म करना हो कि आपका ये सम एक फार्मूला के मतलब थ्रू सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप अलग से भी चाहो तो सम करके देख सकते हो, क्योंकि शुरुआत में होता है इंसान को लगता है कि यार कहीं गलत तो नहीं यार,
तो उसके लिए आप चेक कर सकते हो, ठीक है, पर मेरा मकसद था आपको बताना। तो ये चीज़ होता है सम इफ का फॉर्मूला। अब जैसे देखिए, मैं बुक्स की जगह लिखता हूँ लैपटॉप, ठीक है, फिर मैंने ओके किया। तो देखिए यहाँ लैपटॉप जितनी जितनी जगह होगा ना, देखिए सबसे पहले पहले लैपटॉप है ए 110 102 पे, जिसका टोटल ऐप का 2,30,000, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो लैपटॉप है ए 108 पे, तो वहाँ देखेंगे आप उसका टोटल है 48,974, ठीक है। तीसरा जो है ए 112 पे लास्ट वाला, जिसका टोटल 74,000। तो जब आप इन तीनों का टोटल करोगे ना, तो आपका आएगा टोटल सम 3,52,974, ठीक है। और आप इसको चाहो तो अलग से करके देख भी सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कंफर्म होता रहे कि हाँ आप जो कर रहे हो, मतलब जो फॉर्मूला सम इफ का है, उससे सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि सही तो आना ही है, क्योंकि वो एक्सेल का फॉर्मूला है, ठीक है, पर आप अपने तसल्ली के लिए मन की अलग से भी सम करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है सम इफ का फॉर्मूला। तो यही चीज़ है। अब लोग क्या होता है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि सम इफ और सम में क्या फ़र्क है। यही फ़र्क होता है, क्योंकि सम इफ आपका वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आता है ना, जहाँ पर आपको केवल टोटल नहीं निकालना, आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, मतलब वो जितनी जगह है उस टेबल में। अब मान लीजिए बहुत बड़ी लिस्ट है, ये तो मैंने छोटा सा बताया है, बहुत बड़ी लिस्ट है, और आपसे कह दिया गया कि केवल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको निकालना है। मान लीजिए 1,000 की लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, ठीक है, इसी तरह क्वांटिटी और प्राइस है, और उसमें से मान लीजिए कि केवल 30 या 40 जगह कोई एक प्रोडक्ट है, अलग अलग जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब उसका टोटल आपको निकालना रहेगा, तो पॉसिबल नहीं है कि आप सम से निकाल पाओ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको चाहिए सम इफ का फॉर्मूला, और इस तरह जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले को एक बार टाइप करके भी देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया था फॉर्मूला टाइप से, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, फिर मैं एक बार कह देना चाहता हूँ कि हमेशा फॉर्मूला टाइप करके ही यूज़ करें। तो जैसे देखिए, सम इफ आप लिखेंगे और हमेशा कैपिटल में लिखिए, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने लिया था रेंज, तो हम यहाँ से लेंगे, हम इसको टाइप करके लेते हैं, ऐसे नहीं लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमने जैसा पहले ही कहा कि हम टाइप करने वाले। तो कहाँ से स्टार्ट है, A99 से लेके C112 तक, ठीक है। तो सिंपली A99, फिर हम कोलन लगाएंगे, याद रखिएगा C112, ठीक है, तो यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या हमारा बोला गया था, क्राइटेरिया, जहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए कि, मतलब जहाँ पे हम लिखें अगर प्रोडक्ट्स का नाम, तो हमें उसका टोटल यहाँ पे दिखता रहे, जहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम मान लीजिए इस बार क्राइटेरिया ले लेते हैं B114 को, ठीक है, B114 को। फिर उसके बाद कॉमा लगा देंगे। फिर तीसरी चीज़ क्या था हमें, कि हमें चाहिए लुकअप रेंज, ठीक है, ठीक है, सम रेंज। तो उसके लिए हम केवल प्राइस वाले कॉलम को, नहीं, फिर मैं वैसे ही करने जा रहा था, टाइप करके करेंगे हम। तो कहाँ से स्टार्ट, प्राइस वाला C99 से लेके C112, ठीक है। तो हम लिखेंगे C99, ठीक है, फिर कोलन C112, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, अब हम ओके कर देंगे, ठीक है। अब हमने कहाँ लिया क्राइटेरिया, B114 को, तो यहाँ पे आके हम टाइप करेंगे। मान लीजिए हम टाइप करते हैं पेंसिल, ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारा पेंसिल का। ये हमने टाइप करके भी फार्मूला लगा लिया, ठीक है, और हमेशा टाइप करके ही लगाइएगा। पहली बार खाली फार्मूला टाइप से करिएगा, ताकि समझने के लिए कि क्या क्या मांग रहा है, ठीक है, और क्या मतलब है उसका। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा अपने माइंड में, ये होता है सम इफ का फार्मूला। आप पेंसिल का भी जैसे मिला लीजिए ऊपर, पेंसिल सबसे पहला लिखा हुआ है पेंसिल A104 पे, ठीक है, जिसका टोटल है 5,000। दूसरा लिखा है A107 पे, जिसका टोटल 5,200। और तीसरा लिखा है, नहीं तीसरा नहीं, बस दो है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 5,000, ये आप सिंपली कर सकते हैं, 5,000 प्लस आपका 5,200, तो कितना आ गया, 10,200, ठीक है। तो इस तरह होता है ये सम इफ का फॉर्मूला, और मैंने फ़र्क भी बता दिया। आप मेरे ख्याल से समझ गए ही होंगे क्या है, ठीक है। एक बार हम और कोई टाइप करके देख लेते हैं प्रोडक्ट, पेन, ठीक है। तो पेन का भी आप देख लीजिए, पहला पेन है A105 पे, जिसका टोटल है 6,500। दूसरा पेन है A109 पे, जिसका टोटल है 1,251। बस, तो आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 7,751, ठीक है। तो बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये थोड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट यकीन मानिए बहुत ही आसान है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ, पीस।